हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं गणेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे एक नए वीडियो में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग घूमने आते हैं तो आपको ज़रूर दिखाते हैं। तो आज हैं हम लोग पतरातू वैली में। तो कुछ काम से आए थे, लेकिन यहाँ का जो सीन है, रोड है, इतना अच्छा है कि मन किया चलिए आपको दिखा दूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं पतरातू वैली। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है। ये बहुत अच्छा वैली है पतरातू, और झारखंड का बहुत ही नामचीन जगह भी है। और यहाँ पे एक पतरातू डैम भी है जहाँ बहुत लोग मतलब टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं पतरातू वैली, और उसके बाद अगर समय बचा, टाइम मिला, तो आपको पतरातू डैम भी ज़रूर दिखाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं बाद में। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों कि सिर्फ सुंदर सड़कें, सुंदर वातावरण और हरे भरे रोड सिर्फ विदेशों या बाहर देशों में देखने को मिलते हैं। तो ये जगह हमारे भारत देश के झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले के अंदर एक पतरातू वैली है, जहाँ पर ये सुंदर सा वैली है जिसका नज़ारा आपको बहुत ही मनमोहक कर देगा। अगर आप प्राकृतिक प्रेमी हैं तो आपको ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और यहाँ आने के लिए आप अपने बाइक, अपने कार या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से भी आप यहाँ आ सकते हैं। रांची से आ रहे हैं तो आपको इसका चांदनी चौक पे बस मिल जाएगा। ये घाटी एक सुंदर वातावरण और अपने मनमोहक दृश्य के लिए जाना जाता है। और यहाँ एक डैम भी है, पतरातू डैम, जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने गर्लफ्रेंड के साथ भी आ सकते हैं टाइम स्पेंड करने। यहाँ पे बहुत से कपल भी आते हैं, यहाँ पे रिसोर्ट का भी व्यवस्था है। और आपका ये जो रोड का एक्सपीरियंस रहेगा बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। ये जो घाटी है कम से कम 12 एकदम खतरनाक मोड़ है, जिस पे आपको ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाना होगा अगर आप अपने से राइड कर रहे, ड्राइव कर रहे हैं तो। और बीच में एक ऐसा जगह आता है जहाँ पे दोनों साइड में लंबे लंबे एक पेड़ होते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को लगता है, एकदम हरे हरे, जैसा कि अभी आपके सामने से क्रॉस हो रहा है। आपके वीडियो में भी दिख रहे होंगे लंबे लंबे पेड़। और आपको पतरातू वैली में कुछ खाने पीने के स्टॉल भी दिख जाएंगे, कुछ सेल्फी पॉइंट दिख जाएंगे। और व्यू पॉइंट की जगह है जिस जहां हम लोग नहीं रुक पाएंगे अभी, क्योंकि हम लोगों को काम से जाना है। हम लोग यहां पे ब्लॉगिंग के लिए तो आए नहीं थे, लेकिन रोड का और इतना सुंदर दृश्य देख के रहा नहीं गया तो बोले चलो शूट कर ही लेते हैं। तो फिर अगर समय मिलता है तो आपको व्यू पॉइंट पर दिखाएंगे वहाँ से कितना ज़बरदस्त रोड का व्यू आता है। ये घाटी इतनी इतनी ज़बरदस्त और इतनी सुंदर है कि आप चाह कर भी यहाँ से लौट नहीं सकते। आपको मन करेगा कि यहाँ एक घंटा दो घंटा बिता ही लें, चाहे आप किसी तरीके से काम से आ रहे हैं। पर मेरा काम तो अर्जेंट है ना, इसलिए मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। और चलिए अब देखते हैं, आप देखिए घाटी का मज़ा लीजिए और मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा ये घाटी देख के, मेरे को पता है क्योंकि मैं खुद ही इतना मज़ा ले रहा हूँ।
देखिए पीछे का सीन कितना जबरदस्त लग रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको हम बोले थे कि अगर समय मिलेगा तो हम जरूर आपको पतलातू डैम भी दिखाएंगे। तो आ चुके हैं हम लोग पतलातू डैम में, और देखिए ये पार्किंग एरिया है जहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी पार्क किया है। और चलिए अब आपको ले चलते हैं हम पतलातू डैम के अंदर और दिखाते हैं अंदर का कुछ नज़ारा। ये यहाँ पे बच्चा लोग का कार है चलाने वाला। और इधर से एंट्री दिख रहा देखिए फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आ गए हैं पतलातू डैम के पास। और देखिए अंदर में बहुत अच्छा अच्छा व्यवस्था किया गया है, बच्चों लोगों का पार्क है, बच्चे लोग हैं तो यहाँ पे खेलते हैं कूदते हैं। और ये हमारे पीछे डैम का जैसा आपको दिख रहा है, तो यहाँ एक बहुत अच्छा पिकनिक सा माहौल रहता है, एक पिकनिक स्पॉट रहता है। चलिए आपको आगे और भी कुछ कुछ दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे आप देखे होंगे, मतलब शिमला उमला में या कश्मीर में, जैसे हम तो बस मूवी में देखे हैं, बस रियल में नहीं देखे, जो नाव सजाया जाता है कपल्स लोगों के लिए, यहाँ वो नाव मिलेगा, बोट मिलेगा छोटा छोटा, देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों लोगों के लिए हॉर्स राइडिंग भी है, देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे प्री वेडिंग भी फोटोशूट भी होता है। और देखिए यहाँ पे स्पीड बोटिंग का मज़ा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त। ये है फोटोशूट करने का जगह जहाँ हो रहा था अभी प्री वेडिंग शूटिंग। ये सब के साथ साथ यहाँ ये पक्षियों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आप उनको दाना देखिए, आपके हाथ तक आके खाएंगे, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। आपने देखा ये पतलातू डैम, और आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, और ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताएं। और बस अब शाम हो गया है तो ये डैम बंद होने वाला है अभी फ़िलहाल। ये पार्क, डैम, नाव सब 6 बजे बंद हो जाता है, और हम लोगों को जल्दी से अपना रूम भी पहुँचना है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन वीडियो का आपको टाइम पे मिलता रहे। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।